दोस्तों आपने बहुत बार गुलाब जामुन खाया होगा मार्केट का, सूजी का, आटे का, क्या क्या चीज का, बहुत बार गुलाब जामुन खाया होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा जो गुलाब जामुन आपने कभी नहीं खाया होगा, इसलिए दोस्तों हमने बनाया है सुबुदाना का गुलाब जामुन, जो बहुत जल्दी बनता है। आप कुटुंब को बहुत जल्दी बनाकर खिला सकते हैं, और खाने के बाद आपका कितना तारीफ करेंगे वो आप बनाकर खिलाने के बाद सुन पाइएगा। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज हम बनाएंगे तीन चीज़ों से गुलाब जामुन, साबूदाना, दूध, चीनी से गुलाब जामुन बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम साबूदाना को पीस लेंगे मैं ही से। दोस्तों अब इसे पीसने के लिए हम डाल लिए मिक्सी के जार में, इसको मैं ही से पीस लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा साबूदाना में ही से पीस कर तैयार है इस प्रकार से। दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो रहा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। दोस्तों तो हम जल्दी से चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरा लिए हैं चीनी, आप देख सकते हैं। दोस्तों हम चीनी को डाल लेंगे चाशनी बनाने के लिए। अब डालेंगे इसमें हम 1 कटोरा पानी। दोस्तों हम चाशनी बनाने के लिए इंडक्शन पर चढ़ा दिए, इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ साबूदाना, आप देख सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से भूजेंगे। दोस्तों साबूदाना को हम अच्छी तरह से भूज लिए, इसमें डालेंगे दूध। अब इस तरह से इसको चलाते रहेंगे जब तक मेरा गाढ़ा ना हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गाढ़ा हो चुका है दूध और साबूदाना। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खोआ। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। दोस्तों अगर आपके पास खोआ ना हो तो आप छेना भी दूध के फाड़ कर डाल सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा खोआ बनकर तैयार है मिठाई के लिए। दोस्तों दूध और साबूदाना का मेरा खोआ बनकर तैयार है, इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर इसको अच्छा से मिलाएंगे। दोस्तों जो हमने मिठाई बनाने के लिए रेसिपी तैयार किया था वो तैयार हो चुका है, अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे हम छोटे छोटे लोई बनाएंगे इस तरह से। दोस्तों अब हम लोई ले चुके हैं हाथ में, गोल गोल इसे बनाएंगे। दोस्तों पूरा हम गोल गोल बना कर रख लिए, अब इसको छानेंगे। दोस्तों मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे रिफाइन, आपके पास अगर घी हो तो आप घी में भी छान सकते हैं। दोस्तों मेरा चाशनी बनकर तैयार है, अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। दोस्तों मेरा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे जो हमने मिठाई बनाने के लिए तैयार किया है वही। दोस्तों इसे धीरे धीरे पलटे, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, नहीं तो टूटने का डर रहता है मिठाई। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा तैयार हो चुका है और साबूदाना का मिठाई, अब इसको चाशनी में डालेंगे। अब इसी प्रकार से अब इसे चाशनी में डाल दिए हैं, इसी प्रकार से सबको चाशनी में डालेंगे। दोस्तों हम सारे साबूदाने को मिठाई को चाशनी में डाल दिए हैं, चाशनी में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गुलाब जामुन बनकर तैयार है खाने के लिए, कितना खिला खिला स्पॉन्जी स्पॉन्जी आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।